हाय, दिस इज़ अदिति साजवान यानी कि चिड़ियाघर की कोयल, और मैं आज आप सब के लिए कुछ यमी ट्रीट बनाने वाली हूँ। गैस कीजिए वो क्या होगी। चलिए गैस मत कीजिए, आ जाइए देख लीजिए। लेट्स सी क्या क्या है हमारे पास। वी हैव बॉइल्ड पोटैटो, वी हैव गॉट अनियन, We've got tomato, धनिया है कटा हुआ chopped, बताशे हैं, पूरियाँ हैं, ये है मसाला हमारा, ये है बूंदी, ये है सेव, this is चना and this is सेव, और ये है हमारी ग्रीन चटनी एंड इमली की चटनी। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी चाट में होती है नींबू, लेमन। So we're going to use all of these और हम एक चटपटी चाट बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। कि जब भी चाट की बात आती है और आप चाट जहाँ कहीं बन रही हो या आपके घर में बन रही हो, आप आसपास हो, तो आप अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक अ बाइट ऑफ इट, और तब जाके ही मन को चैन आता है। मेरे साथ तो यही होता है हमेशा। हम इसे हाफ यूज़ करेंगे because we're going to make a portion of the chaat. This is a special treat. I know you people can't eat it. तो आप सिर्फ इसे देखिए और आँखों से स्वाद लीजिए मेरी बनाई हुई चाट का। And if you really want to have chaat from my hands, you will have to come and meet me on my set. I cook occasionally. I'm not able to cook a lot. My family thinks I'm a good cook. I don't claim that, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें बनाना, सिंपल खाना बनाना अच्छा लगता है। एंड आई मेक सैंडविचेज, फास्ट फूड्स एंड दिस एंड दैट। और चाट भी बनाती हूँ मैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को पानी पूरी बना के खिलाई हुई है। सो आई एम गुड एट ऑल दोज थिंग्स। आई हैव गॉट एन अवन हियर, तो मैं इसमें भी कभी कभी कुछ चीज़ें बनाती हूँ। मैं मैगी बनाती हूँ, चाय बना ली, कॉफ़ी बना ली, and sandwiches because I've got a grill sandwich maker, so I usually eat sandwich here और वो मैं खुद ही ingredients ला के बनाती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। It's healthy and it's your own stuff, तो वो healthy रहेगा और आपको पता है कि आपने खुद बनाया है, तो you can control the ingredients। आप देख सकते हो कि आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। So I usually prefer making it myself। So, हमने टमाटर काट दिए हैं, हम इसे एक बोल में डालेंगे। अब जितनी बदतमीज़ी से आपको आलू मैश करने हो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें आलू मैश करने हैं, उन पे प्यार नहीं जताना। सो यू कैन मैश देम लाइक एनीथिंग। अनियन है सबसे डिफ़िकल्ट चीज़, बिकॉज इसको काटते समय ना आँखों से आंसू आते हैं। थोड़ा सा धनिया डाला हमने, इसे अच्छे से मिक्स किया। सेव हम ऊपर से भी डालेंगे, लेकिन ऐसे भी डाली। चना डाला, और अगर आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर ये मसाला जो हमारे पास है, दिस इज़ अ टिपिकल चाट मसाला जो कि यूजुअली यूज़ किया जाता है चाट बनाने के लिए। नाउ वील मिक्स इट प्रॉपरली। और सबसे लास्ट में, जिससे आपको विटामिन सी मिलता है and it has many other faydas. Nimbu is one thing that can make any food exciting and chatpata. अब हम अपनी प्लेट से जाएंगे। हम हाथों से इसमें ingredients से जाएंगे। It looks so colourful. मतलब red भी हो गया, yellow भी हो गया, green is also there, purple of the onion is also there. Aditi is making good chaat. अभी इसके ऊपर हम topping करेंगे चटनी की। कुछ लोगों को चटनी के बिना चाहिए होता है सेव पूरी, कुछ लोगों को ज़्यादा चटनी चाहिए होती है। सो आप ये भी कर सकते हैं कि अलग से चटनी रख दी और उसको उसके ऊपर नहीं डाला, तो हम आधे में ऊपर डालते हैं, आधे में अलग से रख देंगे। वील सर्व इट अलोंग विद द सेव पूरी। और थोड़ा थोड़ा इमली का पानी भी डाल देते हैं, इमली का पानी हर जगह डाल देते हैं। सी एंड हियर वी गो, वर्ल्ड क्लास चाट तैयार है। मैं तो खाऊंगी ही, मैंने बनाया है, बट देन मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये एक्सपेरिमेंट खिलाने विलाने का अपने सेट वालों पे कर सकूँ। ऑल माई को एक्टर्स, आई एम गोइंग टू फीड देम दीज mouth-watering Sev Puris, and I'm sure they're going to like it. I really, really hope that they like it. मेरी बेइज्जती ना हो। Nice, it's really nice. Believe me. थोड़ा सा इसमें मसाला और चाहिए, but it's nice, very nice. You can put in a little more masala, and it's done. Yes. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने की चीज़ें बनाने में और खाने में, तो it's all the more exciting जब आपने खुद बनाई होती हैं चीज़ें, तो आप उनको value करते हो, थोड़ा ज़्यादा respect करते हो. So I'm going to respect this, and I'm going to eat this, make people eat it. And I wish I get good feedbacks. Okay, luckily मुझे सब लोग यहाँ पर मिल गए हैं. We were all doing a scene together. तो हम सब के सब यहीं पर हैं. People, मैंने ना सेव पूरी बनाई है और ज़्यादा ट्राई की है. तो I would like कि आप लोग एक एक पीस इसका खाएं और ऑनेस्ट लेकिन थोड़ा सा ना लीनियंट वाले फीडबैक दे दीजिएगा. नो ऑनेस्ट देंगे. हम सब शौकीन हैं चाट के. मैं पहली बात बता दूं, चिड़ियाघर इज़ क्वाइट शौकीन ऑफ चाट. खा लीजिए भगवान का नाम लेके. बोलिए हरि ओम. कोयल का नाम लेके हरि ओम. नॉट बैड रियली. 6:30. चलो सुपर मार्क्स अच्छी बात है. चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में 6:30. आवर फर्स्ट डिवीजन एक्चुअली. चलो आई एम सो हैप्पी एंड रिलीव्ड. हाँ मैं शुरू याद कर रहा हूँ भगवान को. आपका क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान से खाना. छोटा वाला इसमें मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं. Nine? Yay! I got a 9. Oh my God, Pariji, सच्ची, सच्ची, अच्छा लगा. अच्छा. 9. ये भी बोल दिया. पति होता है. तू भी बोलते हैं. अच्छा नहीं. Okay, 9 मिला है मुझे. मतलब this is rock solid. बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत अच्छा बनाया है मैंने. I don't like more chutney, so चटनी नहीं थी तो मुझे अच्छा लगा. अच्छा. Okay. इसमें भी है कम चटनी. I don't mind. ये इसको और खाना था इतनी तारीफ. Just taking one more. Can you believe it? ये और खाना था. I'm coming to Sumit. कमोग भैया ट्राई कीजिए. Yeah. Let him eat. थोड़ा धनिया है. बेस है. सेव पूरी का बेस है. मैदे का है. सेव है. टमाटर है. चना छोटा दाल चने का. टेस्ट भी है. मतलब पूरी फैमिली का ही है. जैसे सेव पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी, वो जो पूरी फैमिली है उसी का ही है. पूरी फैमिली का ही है. मैंने ये इसलिए क्योंकि मैं भी 9 नंबर दे रहा हूँ. Really, I'm so happy. ये तुमने पूरी प्लेट ले ली? The first time that I'm making. ऐसा कुछ है कि एक-एक खाना. सेव पूरी. हैं? ऐसा पूरी प्लेट नहीं ले सकते. नहीं ऐसा नहीं है. But I made it for the whole family. ले ले 2 खा ले. फिर देखना पड़ेगा ना कैसा है. 10. अभी अंदर गया नहीं. सेव तो बाहर लगी है. देख छोटी से बारीक से बाहर लगी है. फिर मुझे भूख लगी है. चीटिंग मत कर यार. मेड ऑफ 10. वेरी टेस्टी. ये मसाला खा सकते हैं. फ्लॉलेस. मसाला फैंटास्टिक. ये खा सकते हैं ना मसाला. वेरी टेस्टी. तो अब तक मुझे अच्छे रेव रिव्यूज मिले हैं. यू नो 10/10. ओ माय गॉड. आई गॉट अ 9. आई गॉट अ 7. आई गॉट अ 10. अगेन अ 9. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अब मैं देखती हूँ कि मेरी देवरानियाँ क्या कहती हैं मेरे एक्सपेरिमेंट को लेकर. क्या कहती हैं. How they like it or not? Oh God, I'm so nervous, darling. I'm so nervous. ये सेव पूरी है. First time that I've made it. Let's try it. Baby, तुमने सेव खाया है. सेव पूरी खाओ. Wow, पुदीना. Sorry. हरा हरा धनिया। बेबी इट्स हरा धनिया। आई नो, मैंने किया भी उसको क्लेरिफाई। वाओ, ये देखो बेबी, मैंने हाथ। तुम अपनी कर कमलों से इसे खाओ और मुझे बताओ। क्या बनाया तुमने? अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। नमक थोड़ा सा ज्यादा है। मैं बता देती हूँ, मैडम नमक ज़्यादा नहीं खाती हैं, मिर्च ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो यू नो कितने पॉइंट्स हो गया याद रखना। ये ना मतलब ये मुझे खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं, तो मैं आपको 10 में से 10.5 देती है। चलो आधा नंबर हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग सजावट का दिया है उसने, जो उसने सजावट हटा दी है। किसने किया? मैंने किया। सी चुया शॉर्ट देने चली गई है, तो अभी मैं गिल्लू से पूछती हूँ कैसा है। गिल्लू बाबू, ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट मेरे चिड़ियाघर के सभी वासियों पर हो रहा है और देखते हैं कितना सफल होता है। अभी तक तो अच्छे रिव्यूज मिले हैं मुझे। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? He's eating, you know. हाँ, तो गिल्लू यानी कि प्रथम मुझे कितने मार्क्स दे रहे हैं सेव पूरी के लिए? 12 out of 10। 12 out of 10? Really? Yes. Liked it? Yes. Okay, मैं रोज खिलाऊंगी तुझे बना के। अब आते हैं हमारी शरारती गज की तरफ। शी इज़ अ फूडी, शी इज़ अ कम्प्लीट फूडी, और आई थिंक इसे सेव पूरी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप अगर इसे अच्छी लग जाती है मतलब कि आई एम डन। मैं अपनी फूड चेन खोलने वाली हूँ। 10 out of 10। 10 out of 10। थैंक यू। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरी प्लेट जो मैंने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहनत से बनाई थी वह अभी ख़त्म हो गई है। मैंने सबको खिला दिया है सेव पूरी, अपने बहुत ही दिल से बनाई हुई सेव पूरी। तो मैं अभी तक चुया को नहीं खिला पाई, बट आई थिंक शी वुड हैव लव्ड जो मैंने बनाया था। आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। हाँ, नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक पानी पूरी। देखिए कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। आई थिंक अब मैं फास्ट फूड की चेन खोल सकती हूँ और उसका नाम क्या रखूँ? सब टीवी फास्ट फूड या अदिति डैश कोयल फास्ट फूड्स। सो नाम हमने क्या रखा है? नाम कोई भी रखा जा सकता है। मेन काम तो है खाने का और वो चलता रहना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग भी छोटी मोटी डिशेस बना के अपनी फैमिली को खिलाया करिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यू नो, जब आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो उन्होंने कहीं और नहीं खाई या अपने घर में पहले नहीं खाई। यू नो, हमारी मम्मी तो खाने की चीज़ें बनाती ही हैं, लेकिन कभी हम उनके लिए कुछ बनाएँ तो दैट्स अ स्पेशल थिंग। Hi, this is Aditi Sajwan and you're watching India Forums. Please subscribe to their YouTube channel, India Forums.